ओके सो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अब हम कर रहे हैं चेकआउट क्योंकि हमारी ट्रेन है और 20 मिनट बाद हमारी ट्रेन निकलने वाली है तो फटाफट निकलते हैं अभी। एंड रात भर हम सोए नहीं भाई, सलासार मूवी देख रहे थे। सलासार या सालार पता नहीं क्या नाम, सलार मूवी देख रहे थे भाई। फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं एंड देन उसके बाद सीधा वे टू जयपुर। तो भाई ये है हमारे सामने इंडियन रेलवेज़ की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेन वंदे भारत। अब इतनी प्यारी ये लग रही है ना भाई देखने में, एकदम ज़बरदस्त। भाई साहब इंदौर के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म 5 और प्लेटफॉर्म 6 ढूंढना भाई साहब अपने आप में एक चैलेंज है। रेलवे स्टेशन पीछे 1 किलोमीटर रह गया है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है यार। अब जाके मिला है फाइनली हमको। तो भाई ये अपना रूम मिल गया था हमको और 1000 रुपये पर हेड हमें पड़ा है। 5000 का रूम है ये, बाकी काफ़ी बढ़िया सा है। एंड हम 3 लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, जो भी नाम नंबर होगा मैं डाल दूंगा आपको। मेन सिटी में ही है, पीछे का बड़ा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा सा लग रहा है, ऊपर लाइटिंग काफ़ी बढ़िया सी लग रही है। बाकी हम जयपुर पहुँच गए थे 5 बजे, ट्रेन ने पहुँचा दिया और सीधा फिर हम यहाँ पे आ गए रूम में। बाकी लोग तो आपको पता ही है जयपुर के कितने अच्छे होते हैं ना, तो भाई जयपुर के बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ, क्योंकि मैं पहले भी आ रहा हूँ तो मेरे को आइडिया है यहाँ के लोगों का। पर ठीक है अभी मौसम तो है थोड़ा सा गर्मी वाला, अब ये बढ़िया सा खाना पीना खाएंगे और फिर करेंगे आराम। ये बंदा ब्लॉग व्यूज करने के लिए हर शहर के लोगों को अच्छा बनाता है ताकि लाइक आए। हाँ तो भैया खाने पीने का माहौल कुछ ऐसा है कि रेट का तो सस्ता है, होटल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एंड ओवरऑल बढ़िया सा है। अभी तो देखते हैं स्वाद कैसा है, खा के बताते हैं आपको। तो भाई अपनी चाय आ चुकी है, चलो भाई तो चाय पीते हैं एंड चाय की छुट्टियों के साथ शुरुआत करते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं कैसा है। और राइट तो भाई फाइनली जयपुर में हो गई है बारिश शुरू एंड हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और भाई ठीक है थोड़ा कॉस्टली है ये जो एरिया है यहाँ पे जयपुर टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, थोड़ा सा कॉस्टली है यार अपने को जमा नहीं, तो अपन वापस चलते हैं फिलहाल। बाकी यहाँ बारिश हो रही है भाई, मज़ा आ गया हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलो भैया ये हम आ गए पता नहीं कौन सी शॉप है, बट क्या करें अपने वाला थोड़ा सस्ता मिलेगा। चलो देखते हैं जरा बॉयज़ के शॉर्ट कपड़े देखते हैं यहाँ पे। ये कुछ शॉप है इधर, इधर ज्वेलरीज है, इधर हमारी ये है, पहले शर्ट दिखा दीजिए एंड इस टाइप का कुछ है। लेट्स सी क्या पसंद आता है, क्या लेते हैं हम। बाकी जगवाल के लिए ले रहे हैं अभी हाल फिलहाल। साइज आपका भी है तो ये प्रेरणा ने करवा दी हमें शॉपिंग, भले पैसे हमने दिए लेकिन वो बाद में रहेगी है ना, वो बाद में रहेगी। तो भाई होगी अपनी शॉपिंग, अब चलते हैं जरा देखते हैं और कहीं। बाकी कहीं गाने वाने बज रहे हैं और यहाँ बारिश है थोड़ी देर के लिए हुई, अभी देखो हल्के हल्के बादल हो रहे हैं यहाँ पे, बट ठीक है बढ़िया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये हमारा day 6 है एंड अभी हम थोड़ा बहुत तैयार हो गए हैं एंड आप मुझे देख रहे होंगे एकदम, ये कॉटन की मैंने शर्ट पहनी हुई है पहली बार, हाफ बाजू शर्ट में आप मेरे को देख रहे होंगे क्योंकि मैंने पहली बार ही पहनी है। तो भाई अब जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए, टाइम हो रहा है लगभग 10 नहीं और कैसा लग रहा हूँ मैं पहले ये बताइए, सुंदर अति सुंदर या बेहतरीन कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अभी चाय वाय पी के आते हैं उसके बाद करते हैं जयपुर को एक्सप्लोर। चलो भैया हम चले जयपुर घूमने, यहाँ पे एक चीज़ सही है यार 5 रुपये सवारी रहती है, कहीं भी घूमो ये बढ़िया रहता है। हमारी यहाँ पे हम कितने हैं,
हम 5 लोग हैं तो 25 रुपये जाने के और 25 रुपये आने के 50 रुपये में हो जाते हैं। ये चीज़ ठीक है। बढ़िया तो है, लगा अब ठीक लगा। हवा महल अब सही लग रहा ना। मेरे सर में फिर से डायरेक्ट धूप पड़ रही है, स्टॉल होना चाहिए। ये हमारे हीरो सबके पास, सबके पास गॉगल है भाई, एक मैं लौता बचा हुआ हूँ जिसके पास ये है। मैं इसलिए पहनता हूँ ताकि मुझे साफ दिखे, तुम इसलिए पहनते हो ताकि तुम स्टाइलिश दिखो। बताओ यार, अभी हवा महल आए हुए हम, चलो अब हवा महल के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं भाई कैसा है। अंदर से मैंने नहीं देखा, मैंने बाहर बाहर से देखा हुआ है। हाँ सो वी आर इनसाइड हवा महल और हम यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। थोड़ा धूप है पर ठीक है, मैनेजेबल है, ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है ओवरऑल। तो इस तरफ पड़ेगा वो जो हमें रोड से दिखता है, जहाँ से छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। एंड ये है हमारा एंट्रेंस, यहाँ पे है, ये हमारी एंट्रेंस है इधर, और ये हमारा हवा महल। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे, गाइड हमने किया नहीं है, वैसे देख लेंगे भाई कैसा है क्या है। Yeah, awesome. Yeah. 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 Yeah.
जानवर लोग है भाई, कैसे पाउच कैसे मारा इन्होंने इतने ऊपर, इतना ऊंचा 6 फुट का आदमी होगा यार, जो भी होगा, हद हो गई है बताइए। मतलब ये देखो ये है टूरिस्ट प्लेस, तो यार गंदगी लग रहा है यार ऐसी जगहों पे, देखो इतना साफ सुथरा सा है, उसे बताओ यार क्या करा हुआ है, काफी बढ़िया है भाई, अच्छा है, काफी अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बड़ी खिड़की नहीं है सर, छोटी छोटी खिड़कियाँ ही हैं, झरोके हैं, छोटे छोटे झरोके। तो चलो भाई अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर, एग्जिट हमारा होने वाला है, एंड ओवरऑल अच्छी जगह है, आना चाहिए आपको घूमने के लिए। चलो भाई हवा महल के दर्शन हो गए हैं, बहुत हवा खाली हवा महल में हमने, उधर से हमारी एंट्री हुई थी और इधर से हमारा एग्जिट हुआ है। ठीक है अब चलते हैं यहाँ से। तो ये है जयपुर की मेन मार्केट जो है हवा महल के जस्ट सामने, एंड हवा महल पीछे रह गया, अभी अभी जा रहे हैं मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा लग रहा है ना नीचे वाला, उसे दिखाई नहीं, गर्मी गर्मी तो लग रही है, देखो चले गए बादल, आ गए बादल, मतलब ठीक है अब पानी की कमी है, अभी इलेक्ट्रोलाइट पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी ये देखो ये इधर भी है बट ये थोड़ा सा खंडर टाइप हो गया है कुछ, ये है यहाँ की। हम जयपुर घूमने आए थे और हमने घूम लिया आधा जयपुर, लेकिन लास्ट में फिर हम गए शॉपिंग को, शॉपिंग करने। देखो हमने क्या शॉपिंग किया है, क्योंकि हम गए थे डी मार्ट में। तो भाई पहले अपन उधर थे 6th नंबर पे, अभी हम 3rd नंबर पे हैं, दोबारा से लाइन में लग गए हैं।